जोहार झारखंड, रांची ऑब्जर्वर में आपका स्वागत है। झारखंड सरकार के वादा खिलाफी और लेट लतीफी से परेशान झारखंड के पूर्व विधायक गण 30 जनवरी बुधवार को 10 बजे से झारखंड विधानसभा परिसर के सामने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। पूर्व विधायकों की मांग है कि एक सप्ताह के अंदर जमीन का प्लाटिंग करके सदस्यों के बीच वितरण किया जाए तथा पूर्व विधायकों के पति पत्नी को गंभीर बीमारी में वर्तमान विधायकों के पति पत्नी के तरह चिकित्सा सुविधा दी जाए। विदित हो कि झारखंड सरकार द्वारा 4 माह पहले झारखंड विधायक एवं सांसद गृह निर्माण स्वावलंबन सहकारी समिति को जमीन निबंधन कराने के बावजूद अभी तक प्लाटिंग करके सदस्यों के बीच वितरण नहीं किया गया है। इस संदर्भ में अध्यक्ष झारखंड विधानसभा एवं गृह निर्माण समिति के कार्यपालक अधिकारी सह नगर विकास मंत्री चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह से भी माननीय पूर्व विधायकों ने धरने पर पूर्व विधायक बेंजामिन मुर्मू, पूर्व मंत्री हेमंद्र प्रताप देहाती, पूर्व मंत्री रामजीलाल सारदा, पूर्व विधायक शंकर चौधरी आदि अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। हाँ, क्या मांग है आपका? कोऑपरेटिव लगता है जिसमें जो कोऑपरेटिव मेंबर जो अधिकतर पूर्व विधायक भी हैं, जमीन का ये था तो जमीन सरकार से 35 एकड़ का रशी हो गया कोऑपरेटिव को। कोऑपरेटिव अभी तक जमीन दिया नहीं है और कोऑपरेटिव का स्थिति यह है कि जमीन हैंड ओवर लेवे नहीं किया सरकार से, अभी कोऑपरेटिव को ही नहीं दिया। उससे नहीं मतलब इनका ये मांग है कि 7 दिन के अंदर, इतना दिन 15 वर्ष 17 वर्ष हो गया पैसा दिए और जमीन मिले भी 6 महीना हो गया, 7 दिन के अंदर हर हालत में जमीन मेंबरों में बांट दी जाए, यही मांग है। एक दूसरी, पूर्व विधायक की पत्नियों को भी असाध्य रोग में सुविधा मिले, जब लाखों लोग को ऐसे सुविधा दे रहा आदमी और 16 आश्वासन 80,000 के दे रहे हैं, 80 लाख के, ये 16 में विधानसभा में आश्वासन दिया गया था पूर्व विधायक की पत्नी या उपरी पति विधायक पति को भी असाध्य रोग में सुविधा दी जाएगी। वो संसदीय कार्य मंत्री का कहना है कि आप उसको करके भेजिए कैबिनेट में, हुआ नहीं तो मुख्यमंत्री से मांगे उसको भी पूरा किया जाए जो आश्वासन दिया, और हम लोग को आश्वासन दे के भी धोखा दे रहे हैं तो आम जनता क्या हो। ये धरना कब से आपने प्रारंभ किया है और कब तक चलेगा? अनिश्चितकालीन रहेगा, शरीर छोड़ने तक चलेगा, लेकिन ये सरकार का जिद, सरकार का जिद के सामने झुकेंगे नहीं, सरकार को झुका देंगे और नहीं कहीं मर गए तो फिर सरकार के एक एक लोगों को जमानत जब्त हो जाएगी, कोई तो रहेगा ही ना। धन्यवाद। ये किस उद्देश्य से आप लोग धरना दे रहे हैं? धरना हम लोग दे रहे हैं जमीन सदस्यों को मिल जाए जो गृह निर्माण समिति को दिया गया है। ये धरना कब तक चलेगी? जब तक प्राप्त नहीं हो जाते है प्रत्येक मेंबर। तो ये धरना है या भूख हड़ताल है? भूख हड़ताल। धन्यवाद।